हिमाचल से एक बड़ी खबर आ रही है। हिमाचल के सोलन में बीच रास्ते में रोप वे फंस गया। जी हां, फंसे रोप वे में से करीबन 11 टूरिस्ट और 5 को रेस्क्यू करा किया गया है इस 11 में से। और रोप वे फंसने से 11 टूरिस्ट फंस गए हैं। पिछले 2 घंटे से फंसे हैं ये टूरिस्ट सोलन में। रेस्क्यू ऑपरेशन इसको लेकर अब भी जारी है। 5 लोगों का रेस्क्यू करा लिया गया है, लेकिन बाकी के लोग अभी भी इस पर फंसे हुए। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये उसी रोप वे की तस्वीर है सोलन में, जहां पर ये टूरिस्ट फंस गए हैं। हालांकि 5 लोगों को रेस्क्यू करा लिया गया। तस्वीरें हम आपको सीधे वहीं की दिखा रहे हैं, लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें कि कैसे रेस्क्यू करवाया जा रहा है। लगातार वहां पे जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो पहुंच चुका है, लोगों को रेस्क्यू कराने की कोशिश की जा रही है। 6 टूरिस्ट अब भी केबल ट्रॉली में फंसे हुए हैं और उनको रेस्क्यू कराने की प्रक्रिया काम अब भी जारी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे पहाड़ पे लगातार जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो रेस्क्यू टीम है, वो वहां पर पहुंच गई है और रोपवे से लगातार कई टूरिस्टों को निकाला जा रहा है, लेकिन 6 टूरिस्ट अभी भी उस केबल ट्रॉली में फंसे हुए हैं। एमओडी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की क्लियरेंस का इंतजार कर रही है। उन एमओडी को भी रिक्वेस्ट जिलाधीश ने भेज दिया है, क्योंकि मेरी जो इस टेम्पल ट्रेल का मालिक है उससे बात हुई थी तो उन्होंने मुझे अश्योर किया था कि आधे घंटे के भीतर भीतर सबको निकाल लिया जाएगा। और ठीक आधे घंटे में जो 11 लोग से फंसे थे उसमें से आपने देखा कि 4 ही बचे हुए हैं, बाकी को निकाल लिया है। तो हमने जो जो एयरफोर्स का था उसको हमने आधे पौने घंटे के लिए जो है स्टैंड बाई पे रखा है कि अगर ये ऐसी इस तरह से जो उन्होंने अल्टरनेटिव मैकेनिकल ट्रॉली से निकाले वैसे निकल जाएंगे तो एयरफोर्स को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और वैसे जैसे मैंने बताया कि एनडीआरएफ भी किसी भी समय पहुंच सकती है और सभी लोग स्वस्थ हैं और ये निकलाएंगे। उसकी जो आपने जो आपका मेन प्रश्न जो है कि उनके कहाँ के टूरिस्ट हैं, ऑब्वियसली मुझे लगता है ये सारे के सारे टूरिस्ट पीक टूरिस्ट सीजन है तो ज़्यादातर तो लोग टूरिस्ट ही होंगे इसमें। जैसा आपने कहा 4 लोग एल्डरली भी हैं इसमें, क्या ऐसी कोई स्थिति मालूम पड़ पाई है कि उनका मेडिकल कंडीशन क्या है? और बात हुई है क्योंकि जो लोग जो है मोबाइल से बात कर रहे हैं, 2 एल्डरली लोग हैं और उनकी सबकी स्थिति बहुत अच्छी सी है और जहाँ जहाँ भी रेस्क्यू किए गए वह एम्बुलेंस स्टैंड बाई पे खड़ी है और मेडिकल की डॉक्टर्स की भी वहाँ पे डॉक्टर्स भी हैं जो नीचे इंजन को उतारा जा रहा है, उनका मेडिकल चेकअप भी किया जा रहा है। तो ऐसी कोई भी पैनिक वाली कोई भी स्थिति अभी नजर नहीं आ रही है। चलिए हमारी संवाददाता पूजा शर्मा का रुख कर लेते हैं। पूजा, क्या कुछ अपडेट है, खासतौर पे 6 टूरिस्ट को निकालने की प्रक्रिया किस तरीके से चल रही है? और अभी वहां पर कहा जा रहा था कि देखिए, माफ कीजिएगा, पूनम शर्मा हमारे साथ जुड़ गई और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से। पूनम, अभी इस पूरी खबर पर क्या कुछ अपडेट है, कितने लोगों को और निकाल लिया गया है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की कितनी टीमें हैं जो मौके पर इस समय मौजूद हैं? बिल्कुल, अभी जो प्रक्रिया है इवैक्यूएशन की वो अभी चल रही है और अभी जो मेन इनका टारगेट है, क्योंकि उसमें जो टूरिस्ट है वो उन्हें हेल्थ इश्यूज काफी ज्यादा है जो अब वहां पे फंसे हैं, तो पहली प्रायोरिटी यही रहेगी उनकी हेल्थ को लेके जो है एनडीआरएफ की टीम और ये तो उनसे कॉन्टेक्ट किया गया है। तो उसका अभी कहा जा रहा है कि 15 से 20 मिनट में वो जो टीम है वो यहाँ पे पहुंच जाएगी ताकि उनको एयरलिफ्ट किया जा सके और टूरिस्ट जो है सेफली बाहर निकाले जा सके। पूनम, खास तौर पर एक बात, जब भी ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन कराया जाता है क्योंकि रोपवे है तो ऐसे में बहुत ज्यादा खतरा होता है क्योंकि लगातार बहुत संवेदनशील तरीके से ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है, क्या कुछ एक्सपर्ट्स की टीम को भी बुलाया गया है एयरफोर्स और एनडीआरएफ के अलावा? जी बिल्कुल, डॉक्टर्स वहां पे फर्स्ट एड का पूरा इंतजाम किया गया है, साथ ही में रोपवे अब वही विकल्प अभी तक, अभी जो सिचुएशन है वहां पे सिर्फ अभी एक रोपवे का ही विकल्प है, तब तक की एयरलिफ्टिंग का विकल्प नहीं आ जाता तब तक रोपवे से ही निकाला जा रहा है और सिर्फ उन्हीं टूरिस्ट को निकाला जाएगा रोपवे से जिन्हें कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है। बिल्कुल, अच्छा, कितने लोगों के होने की बात कही जा रही थी क्योंकि कहा जा रहा था कि 10 से 11 लोग हैं और 6 लोग अभी भी उसमें फंसे हुए हैं, क्या ये एक ही जो आप कह सकते ट्रॉली के साथ प्रॉब्लम आई है, ये पूरी प्रक्रिया है, फिर ये जो पूरे प्रोसेस में ही ये दिक्कत आनी शुरू हो गई थी? पूनम,
जी बिल्कुल, अभी तक जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये कहा है कि कोई मैकेनिकल फॉल्ट इसमें आया है। अभी तक ये नहीं पता कि कैसे ये फॉल्ट आया है, क्योंकि फॉरेन इन्होंने जो केबल कार है वो जो टेक्नोलॉजी यूज की है वो फॉरेन की टेक्नोलॉजी है, कभी एक्सपेक्टेड नहीं था कि अभी अभी मतलब जिस टेक्नोलॉजी से जो टेक्नोलॉजी इन्होंने यूज की है कभी ये सोचा नहीं था कि ऐसी सिचुएशन फिर से आएगी, क्योंकि एक बार पहले भी ये सिचुएशन आ चुकी है, उसके बाद ही इन्होंने टेक्नोलॉजी चेंज की थी अपनी, फॉरेन टेक्नोलॉजी को ऑप्ट किया था। और अब इन्हें ये खुद भी असमंजस में है कि ये आखिर ये जो फॉल्ट आया है ये आया कैसे, और मैकेनिकल फॉल्ट जो आया है उसका भी इन्हें बिल्कुल भी पता नहीं लग पा रहा है कि ये फॉल्ट कैसे, एक केबल कार ही इसमें मैकेनिकल फॉल्ट की वजह से फंसी है जिसमें 11 लोग फंसे थे और सिर्फ अब बाकी सारे 6 लोग जो है अभी भी इसमें फंसे हुए हैं। पूनम, जो 5 लोग निकाले गए हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनके मेडिकल को लेकर कुछ अपडेट मिल पाया है कि कैसी तबियत है, कहाँ उनको ले जाया जा रहा है, किस तरीके से, किसी को कोई ज्यादा इंजुरी या कोई तबियत तो नहीं खराब? जी अभी देखिए पैनिक की सिचुएशन है, टूरिस्ट काफी ज्यादा पैनिक में है अभी, ये वो बातचीत के उसमें नहीं है, उन्हें अभी से फर्स्ट एड दी गई है और साथ ही में जैसे ही वो बातचीत की सिचुएशन में आते हैं हम उनसे बातचीत करेंगे और बताएंगे कि क्या उन्होंने किस तरह की सिचुएशन थी और कैसे उन्होंने उसे टैकल आउट किया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पूनम हम आपका कि आप लगातार हमको अपडेट कर रहे थे कि किस तरीके से अभी कई टीम जो है लगातार, और खासतौर पर एनडीआरएफ और इंडियन एयरफोर्स की मदद भी मांगी गई है, और लगातार जो लगातार उसे रेस्क्यू कराए गए हैं टूरिस्ट, उनको मेडिकल फैसिलिटी या मेडिकल टीम भी लगातार उनको मॉनिटर कर रही है।